Precautions during dumping. Dumping area shall be provided with a berm of height 1 meter or half the dumper will dia. या तो equal to the dumper radius. दोनों में से जो अधिक होगा उतना हम लोग berm का height लेंगे. Non-dumping area or unstable area shall be demarcated by dumping material up to a height of 2 meter. 2 meter height जो हम लोग demarcated material या तो dumping non-dumping area को या तो unstable area को हम लोग demarcated करेंगे, ठीक है. Dumping material कितना देंगे? 2 meter height तक, ठीक है. Dumping shall be stopped if there are cracks sign or of instability. तो instability का कोई भी sign दिखेगा तो उसके से हम लोग क्या करेंगे? Dumping को stop कर देंगे, ठीक है. इसमें से हम लोग crest क्या है? Toe का overall slopes often more consecutive. Conservative जो है frequently less than 45 degree, ठीक है. जो frequently less होगा 45 degree से. फिर बोला है कैनानिया मैक्सिको इज नियरली 60 डिग्री. कैनानिया मैक्सिको में जो है एंगल 60 डिग्री से है लगभग में. फिर बोला है क्रेस्ट टोय क्या है वो दिख रहा है पिक्चर से, ठीक है. क्रेस्ट कैच बेंच, ठीक है. कैच बेंच क्या है, फिर बर्म क्या है, सारा पिक्चर में इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है. टोय टू क्रेस्ट स्लोप, क्रेस्ट स्लोप का टोय क्या है? टोय टू क्रेस्ट स्लोप, ठीक है. फिर बोल रहा है कि ओवरऑल पीट स्लोप, ओवरऑल पीट स्लोप एंगल जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है. बेंच उसमें बना हुआ है, इसको बेंच इंडिकेट किया गया है. फाइनल पीट स्लोप अलाउ बेंच टू बी वाइड इनफ टू कैच रॉक्स एंड एकोमोडेट ए बर्म, दिस इज ऑफन लेस देन 10 मीटर. द टोय टू क्रेस्ट स्लोप इज मच स्टीपर देन ओवरऑल, ठीक है. क्रेस्ट टोय टू क्रेस्ट स्लोप जो हमारा टोय टू क्रेस्ट स्लोप जो है कि मच स्टीपर देन द ओवरऑल, ओवरऑल एंगल से ज्यादा होगा टोय टू क्रेस्ट एंगल, ठीक है. अब बोल रहा है प्रिकॉशंस इन मेकिंग ओवरबर्डन डंप्स इन ड्रैग लाइंस. बोल रहा है कि हाइट एंड स्लोप ऑफ डंप फेस शुड बी डिजाइंड बाय ए रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ओबी सीम डीप नेचर ऑफ फ्लोर ड्रेनेज रिच एंड डंपिंग हाइट ऑफ ड्रैग लाइन प्रोडक्शन, ठीक है. इंटरफेस लेयर दैट इज डेब्रिज और कोल डस्ट फ्रेगमेंटेड रॉक स्पॉयल मिक्स विथ वाटर शुड बी क्लियर्ड, ठीक है. डेब्रिज या तो कोल डस्ट को हम लोग या तो फ्रेगमेंटेड रॉक को हटाते हैं, क्लियर करते हैं एज फार एज पॉसिबल जहाँ तक संभव हो फ्रॉम द डिकोल्ड फ्लोर बिफोर डंपिंग बाई ड्रैग लाइन, ठीक है. इफ इट कांट बी अवॉइडेड द फ्लोर शुड बी रिब्ड और ब्लास्टेड टू ए डेप्थ ऑफ 1 to 1.5 मीटर बिफोर द स्टार्ट ऑफ डंपिंग, ठीक है. यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो रिपर से 1 से 1.5 मीटर का रिपिंग किया जाएगा डेप्थ को और उसमें फिर स्लोप उसमें डंपिंग किया जाएगा. ड्रैग लाइन टू इम्प्रूव फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एट द बेस ऑफ द डंप, उस केस में भी रिपिंग किया जाता है ड्रैग लाइन के फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए सर्फेस से रिपिंग करते हैं. टॉप सॉइल शुड बी डम्प्ड सेपरेटली, टॉप सॉइल को हम लोग डंप करते हैं सेपरेटली. अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड सच मटेरियल्स बी प्लेस्ड एट द बेस ऑफ डंप, कोई भी सर्कमस्टांसेस में हम लोग टॉप सॉइल को बेस पे नहीं रखेंगे डंप का. ओबी एक्सकेवेटेड फ्रॉम सोविल डंपर बेंच शुड नॉट बी डंप्ड ऑन और नियर द फ्रेशली क्रिएटेड ड्रैग लाइन डंप टू अवॉइड फर्दर लोडिंग ऑफ पार्शियली कंसोलिडेटेड ड्रैग लाइन डंप, ठीक है. ओबी एक्सकेवेटेड किया गया है सोविल डंपर से तो उसको क्या करेंगे? बेंच करेंगे. शुड नॉट डंप्ड, डंप नहीं कहेंगे करेंगे और नियर द फ्रेशली क्रिएटेड ड्रैग लाइन डंप टू अवॉइड फर्दर लोडिंग ऑफ पार्शियली कंसोलिडेटेड ड्रैग लाइन डंप, ठीक है. आइडियली इट शुड बी डंप्ड एटलीस्ट 2 cuts अवे, ठीक है. वैली इन ड्रैग लाइन डंप शुड बी लेबल टू अवॉइड रेन, ठीक है. बोला वैली इन ड्रैग लाइन शुड बी लेबल्ड, ठीक है. वैली इन ड्रैग लाइन शुड बी लेबल टू अवॉइड रेन वाटर पॉन्डिंग बिटवीन हिप्स ऑफ ड्रैग लाइन डंप, ठीक है. ड्रैग लाइन डंप के हिप में किसी तरह का पानी का जमाव ना हो इसके लिए ध्यान रखें कि उसका फ्लैट बेस होना चाहिए, ठीक है. इफ कोल रिब इज लेफ्ट एट फ्लोर लेवल, यदि कोल रिब छूट जाता है द रिब शुड बी पंचर्ड एट एवरी 100 to 150 मीटर टू प्रिवेंट एकोमोलेशन ऑफ वाटर बिहाइंड इट. कोल रिब में किसी प्रकार का फ्लोर में छूट जाता है कोल रिब तो पूरा रिब शुड बी पंचर्ड एट एवरी 100 to 150 मीटर टू प्रिवेंट एकोमोलेशन ऑफ वाटर बिहाइंड इट, ठीक है. एनुअल प्रोडक्शन टारगेट शुड बी सो फिक्स्ड एज टू प्रोवाइड एडिक्वेट डंपिंग स्पेस, डंपिंग स्पेस को प्रोवाइड करके हम लोग एनुअल टारगेट को फिक्स करते हैं विथ सेफ डंप हाइट एंड स्लोप. डंप हाइट एंड स्लोप शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय ट्रेंड पर्सनल यूजिंग सोफिस्टिकेटेड सर्वे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है.
सोफिस्टिकेटेड सर्वे इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग डंप हाइट को और स्लोप को सर्वे करती कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या, ट्रेंड कॉम्पिटेंट पर्सन शुड बी डिप्लॉयड फॉर फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस ऑफ द डंप, ठीक है। इफ देयर आर एनी क्रैक्स और अदर साइंस ऑफ डिटेरियरेशन ऑफ स्टेबिलिटी, इट्स ही शुड इन्फॉर्म द मैनेजर फोर्थविथ। ट्रेंड कॉम्पिटेंट पर्सन जो डिप्लॉय किया गया है इंस्पेक्शन के लिए डंप का, किसी प्रकार का क्रैक साइन यदि उसको दिखेगा तो इन्फॉर्म करेगा मैनेजर को, ठीक है। मैनेजर शुड फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट डंपिंग रूल्स इनकॉर्पोरेटिंग अबव ऑल रूल्स, ठीक है। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीटिंग द लेक्चर्स ऑफ ओपनकास्ट वाइल व्यूइंग, कीप कंटिन्यू विथ माइनिंग सपोर्ट फॉर एक्स्ट्रा लेक्चर रिगार्डिंग एनी अदर टॉपिक्स।